हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है अर्थ पाटिल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं बॉयलर कोरोजन। ठीक है, ये अपनी थर्ड टाइप की जो है बॉयलर प्रॉब्लम है। सबसे पहली जो बॉयलर प्रॉब्लम थी वो थी अपनी स्केल एंड स्लज, सेकंड थी अपनी स्ट्रीमिंग एंड फोमिंग, और थर्ड टाइप की जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है बॉयलर कोरोजन। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे बॉयलर चैप्टर जिसमें अपन की चार टाइप की जो है बॉयलर प्रॉब्लम आई थी, जिसमें से एक एक करके दो बॉयलर प्रॉब्लम जो है अपन ने डिस्कस कर लिया था। आई होप सो उसके जो भी कंसेप्ट थे और जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे बॉयलर कोरोजन, आगे बढ़ते बढ़ते इसके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, और किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, और साथ में इस ये वाला जो बॉयलर ट्रबल है, बॉयलर प्रॉब्लम है ये वाली बॉयलर कोरोजन, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं वो भी चीजें आगे देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं बॉयलर प्रॉब्लम। चार टाइप की बॉयलर प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले स्केल एंड स्लज, सेकंड अपनी प्रीमिंग एंड फोमिंग, थर्ड है अपनी बॉयलर कोरोजन और फोर्थ है अपनी कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ये दो अपन ने देख लिया था, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं बॉयलर कोरोजन और नेक्स्ट वीडियो में अपन कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आखिर बॉयलर कोरोजन। ठीक है, अगर आप जो अपनी ये वर्ड लिखा हुआ है इसको अगर दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बॉयलर को और कोरोजन को, तो आपको क्या समझ आता है? कोरोजन, कोरोजन अपन ने 9th, 10th, 11th, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कोरोजन क्या होता है। आपने रस्टिंग सुना होगा, अगर सिंपल जो घरों की भाषा में बोले या फिर अपनी जो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोले तो जंग लगना, किसी लोहे पे जंग लगना, उसी को अपन बोलते हैं कोरोजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर वर्ड से समझ नहीं आया होगा, ये जैसे अपना ये लोहे का है, ठीक है, आयरन का ये बना हुआ है, ठीक है, जो ड्रम है एक, इसमें ये जो रस्टिंग हो जाती है ना ये लाल लाल कलर की, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कोरोजन। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अब कोरोजन का मतलब तो अपन समझ आ गया, इसके बाद अपन को क्या लिखा है? बॉयलर, मतलब बॉयलर का अपना जो कंटेनर है, जो लोहे का कंटेनर रहता है, आयरन कंटेनर रहता है, उसमें अगर कोरोजन बैठ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉयलर कोरोजन। आई होप सो आपको इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आखिर इसके डेफिनेशन से समझते हैं आखिर बॉयलर कोरोजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखिए समझ लेते हैं आखिर डेफिनेशन इसकी क्या कह रही है। ठीक है, क्या कह रही है? द प्रोसेस इन विच डिके ऑफ बॉयलर मटेरियल बाय अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक बाय इट्स एनवायरमेंटल इज कॉल्ड बॉयलर कोरोजन। क्या कह रहा है कि जो अपनी केमिकल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो अपनी रिएक्शंस हैं जो अपने वाटर में होती है, बॉयलर में होती है, जब वो आयरन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे जो है वो बॉयलर कोरोजन जो है वो बनता है। ठीक है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? बॉयलर कोरोजन। ये कुछ पॉइंट्स भी है जो मैंने आपके लिए लिखे हैं जिससे अपना जो आंसर है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। क्या लिखा है? बॉयलर कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल सर्फेसिस इनसाइड द बॉयलर। जो बॉयलर के अंदर जो मेटल सर्फेसिस है उसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉयलर कोरोजन। सेकंड, इट अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर, स्टीम एंड मेटल सर्फेस। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन जो वाटर, स्टीम और मेटल सर्फेसिस में होती है जिससे जो है बॉयलर कोरोजन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, उसका कॉज है। थर्ड जो है वो है दीज रिएक्शंस कैन वीकन द मेटल ओवर टाइम। ठीक है, ये रिएक्शंस क्या करती हैं? जो अपना जो मेटल है, जो आयरन का मेटल है, जो अपना बॉयलर है, उसको टाइम टू टाइम क्या करता है? उसको वीक करता रहता है। ठीक है, फोर्थ क्या लिखा है? कोरोजन कैन लीड टू स्ट्रक्चरल डैमेज टू द बॉयलर। कोरोजन जो है वो स्ट्रक्चर डैमेज करता है किसको? बॉयलर को। अपना जो बॉयलर कंटेनर रहता है उसको क्या करता है? डैमेज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? इट कैन रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ द बॉयलर। ठीक है, जो बॉयलर का लाइफ स्पैन है जितने टाइम तक वो चल सकता है। ठीक है, अपने पास कोई भी मशीन रखी है, जैसे घर पे अपन कूलर लाते हैं, ठीक है, अगर वो कूलर कितनी ज्यादा 5 साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है, ठीक है, वही तरह का है कि अगर ये जो अपना बॉयलर है उसमें अपनी क्या जंग वंग लग जाती है, ठीक है, कोरोजन इफेक्ट आ जाता है, जिससे क्या है उसका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो बॉयलर आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि बॉयलर कोरोजन आखिर होता क्या है। ठीक है, अपन ने दोनों को तोड़ के समझा है कि पहले कोरोजन समझा फिर बॉयलर समझा, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में जिस तरह से एक्सप्लेन करना है वो ये है, आप इसको एक बार पढ़िएगा और अपने हिसाब से भी अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं बन रही है और आपको लगता है कि मैं बॉयलर कोरोजन पे लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को बॉयलर कोरोजन का जो वर्ड मीनिंग जो वो मुझे कह रहा है वो चीज हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको आराम से लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं बॉयलर कोरोजन के। ठीक है, सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो है रिड्यूस बॉयलर लाइफ। जो अपना बॉयलर कंटेनर है, जो अपना बॉयलर कंटेनर है उसकी जो है लाइफ स्पैन को वो कम कर देता है। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है? मे कॉज लीकेज।
जो लीकेज वाली प्रॉब्लम रहती है, अगर कोई किसी किसी पार्ट पे बॉयलर का एक कंटेनर है उसके किसी पार्ट पे कोरोजन हो जाता है, ठीक है, रस्टिंग बैठ जाती है, तो क्या है वो वीक हो जाता है, जिससे क्या है जो लीकेज का प्रॉब्लम है बॉयलर में से वो बढ़ जाता है, ठीक है, वही चीज ये कह रहा है सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इंक्रीज मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कॉस्ट, जो अपना मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कॉस्ट है जो बॉयलर को ठीक करने का रस्टिंग बैठने पर, वो जो है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर आपने जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बॉयलर जो है वो अच्छे समझाया था, रियल लाइफ एप्लीकेशन कहां पे आपने बॉयलर देखा होगा वो चीज बताई थी, ठीक है। तो बड़े बड़े जो कंटेनर रहते हैं बॉयलर के, उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो बहुत हाई हो जाता है, ये इसका जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे का देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर कॉजेस ऑफ बॉयलर कोरोजन क्या क्या है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो कॉज आता है वो है डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। मेन कॉजेस ऑफ बॉयलर कोरोजन आर एस फॉलोज, जिसमें जो पहला कॉज है वो है डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे सिंपल अगर नॉर्मल भाषा में बताऊं आपको, जैसे अपना कोई रूम टेम्परेचर पे वाटर रहता है, जैसे ये मेरे हाथ में एक बॉटल है इसमें वाटर रखा है, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर, देखिए अपना रूम है, इस टेम्परेचर पे जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो कितना होगा, 8 ppm और 8 mg/L, ठीक है। बट जब ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो आयरन के कॉन्टेक्ट में आती है तो ये रस्टिंग फॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाता हूँ, जैसे अपना जो आयरन है, ठीक है, इसमें वाटर प्लस ऑक्सीजन, अब ये कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, जैसे जो आपने बॉयलर का कंटेनर देखा होगा वो काय का रहता है, आयरन का, तो वही आयरन है, ठीक है, उसके अंदर क्या करा आपने, वाटर डाल दिया, और वाटर के अंदर क्या रहती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो रहती है, जो अगर रिएक्ट होती है तो क्या बनाती है, फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब ये फेरस हाइड्रोक्साइड अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या बनाता है, रस्ट, रस्ट का ये फॉर्मूला होता है, तो ये रस्टिंग फॉर्म करता है किसमें, जो अपना बॉयलर रहता है बड़ा सा, उसके अंदर जो है वो रस्टिंग फॉर्म करता है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं और आपको ये डेफिनेशन से जो थोड़ा सा क्लियर करूं, तो क्या लिखा है, दिस इज द मोस्ट यूजुअल कोरोजन कॉजिंग फैक्टर, ठीक है। वाटर इज यूजली कंटेन्स अबाउट 8 ppm ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, क्लियर हुआ, जो चीज बोली थी वही लिखी है, ठीक है। उसके बाद डिसॉल्व ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द आयरन मटेरियल ऑफ बॉयलर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड अंडर प्रिवेलिंग हाई temperature to form ferric oxide, this is called as rust, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन जब उसमें जाती है, ठीक है, जो अपना बॉयलर कंटेनर में जाती है तो वो किस तरह से जो है रस्टिंग फॉर्म करती है, और एक किस लिए, जो अपना बॉयलर कोरोजन है उसका मेन कॉज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर इसको किस तरह से अपन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, दो मेथड होती है जिससे अपन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो हाइड्रो उसमें है, ठीक है, बॉयलर में, उसको रिमूव कर सकते हैं, जिसमें से पहली जो मेथड आती है वो है बाय यूजिंग केमिकल्स। कुछ केमिकल्स हैं जिसकी मदद से अपन इसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला जो केमिकल्स आया वो क्या है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सेकेंड जो है वो क्या है, सोडियम सल्फाइड, और थर्ड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये सोडियम सल्फाइड ये अलग अलग कैसे हैं, जैसे अगर Na2SO3 इसको क्या कहेंगे अपन, सोडियम सल्फाइड, Na2S इसको क्या कहेंगे अपन, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। जब ये सोडियम सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब ये रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है क्या, सोडियम सल्फेट, ठीक है। उसी तरह अगर सोडियम सल्फाइड जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो भी फॉर्म करता है क्या, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। थर्ड जो केमिकल है वो क्या है, हाइड्रोजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, वाटर जो है वो अपना रिलीज करता है, और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है जो अपनी उड़ जाती है, ठीक है, हवा में चली जाती है, और ये जो है वो अफेक्ट नहीं करती किसी भी उसमें। पर अगर बात करें जो अपने ये सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट जो अपने दो केमिकल मिलाने पे जो है बने हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर फर्दर हाई टेम्परेचर पे अगर जो रिएक्शंस होगी तो उसमें क्या करेगा, ये SO2 गैस को रिलीज करेगा जो अगेन एसिडिक होती है और जो रस्टिंग कॉज करती है, ठीक है। तो अगर सबसे अच्छा केमिकल जो है अगर अपन इन तीनों में देखें तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो है अच्छा केमिकल है, Na2H4, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो इन तीनों में सबसे बेस्ट केमिकल है, जिससे अपन जो ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर में, उसको रिमूव कर सकते हैं। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपनी सेकेंड मेथड, जिससे अपन किसको, डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं, वो है ये मैकेनिकल
डी एरिटेशन, ठीक है। इसको अपन किस तरह से रिमूव करेंगे, जैसे मैं फर्दर अपने पास ये डायग्राम बना हुआ है, इसको अपन थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं क्या है इस डायग्राम में क्या है। सबसे पहले जो है ऊपर से ये फीड वाटर जो है वो डाला जाता है, ठीक है। ये जो अपनी ये लास्ट में जो ये रेड रेड कलर की प्लेट्स लगी है, इसको क्या कहेंगे, स्टीम जैकेट टू अटेन हाई टेम्परेचर। ये क्या रहता है, ये मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है जिससे जो इसका टेम्परेचर है उसको हाई करे रखती है, ठीक है। उसके बाद ये अपना ये वैक्यूम है जिससे जो है प्रेशर जो उसके अंदर है, जो कंटेनर है इसके अंदर जो प्रेशर है उसको वो रिड्यूस रहता है, ठीक है। उसके बाद हीटेड परफॉर्म प्लेट्स, ये जो अपनी ये प्लेट्स हैं ये हीटेड परफॉर्म प्लेट्स हैं, बाकी ये जो कंटेनर है ये टावर, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को रिमूव कर दूं, हाँ, ठीक है। तो क्या रहता है कि अपनी जो ये फीड वाटर है, ठीक है, जो गैसेस के फॉर्म में रहता है वो क्या करता है, यहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है इसकी वजह से क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है ना। और जो ये अपना वैक्यूम बना है इससे जो उसका अंदर का प्रेशर है वो क्या रहता है, लो रहता है, ठीक है। जिससे क्या है, ये गैसेस के फॉर्म में ये जब इसके अंदर आती है ये प्लेट से टकरा के क्या होता है, इसकी जो अंदर की गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस, O2, CO2, ठीक है, और अदर जो गैसेस हैं वो इसके अंदर क्या है, उड़ जाती है, एवेपोरेट हो जाती है, बाकी इसमें से टकरा के ये वाटर जो है यहाँ से निकल आता है। सिंपल चीज है, ठीक है, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एग्जाम में क्या करना है, अपन को पहली जो चीज है जो रिएक्शंस की मदद से, केमिकल्स की मदद से जो अपना डिसॉल्व गैसेस रिमूव होती है वो अपन को कर देना है। सेकंड, मैकेनिकल डीएरिटेशन का डायग्राम बना देना है, इससे अपन को चीजें क्लियर हो जाए। इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या रहता है कि अपने से इसमें से जो गैसेस हैं इसके अंदर वाटर के अंदर जो गैसेस है फीड वाटर के अंदर वो क्या है, इसमें से रिमूव हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो है उसमें डीएरिटेशन वाटर आता है, जिसमें से जो होता है फ्री फ्रॉम डिसॉल्व गैसेस, मतलब कौन कौन सी, ऑक्सीजन, CO2 और अदर जो गैसेस होती हैं ये उसमें से हट जाती है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा सेकंड मेथड, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो आप ये दो डायग्राम जो बना देंगे तो आपको आंसर जो है वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर सेकेंड कॉज जो है बॉयलर कोरोजन का, उसको समझते हैं। सेकेंड कॉज जो है वो अपना किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। इसको अपन डेफिनेशन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं जिससे जो आगे की केमिकल रिएक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। जैसे क्या है, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ CO2 इन बॉयलर वाटर, ठीक है। बॉयलर वाटर में CO2 दो सोर्सेस हैं जिससे आता है। सबसे पहला जो सोर्सेस है वही कि डिजॉल्व्ड CO2 इन रॉ वाटर, जो अपना नॉर्मल वाटर है जो रूम टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है, उसमें CO2 रहता है, ठीक है। और सेकेंड जो है वो क्या है, CO2 फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायकार्बोनेट्स इन H2O, ठीक है। बायकार्बोनेट्स जो है अपने किस-किस के, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट, जो अगर वो डिकम्पोज होते हैं तो उससे जो है वो CO2 फॉर्म होता है। अब बायकार्बोनेट्स वाटर में कैसे आते हैं, अपन ने देखा था हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। जब अपन ने फर्स्ट यूनिट में हार्ड वाटर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था अपन ने बहुत सारे बायकार्बोनेट्स होते हैं, किसके, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, हार्ड वाटर में। अगर हार्ड वाटर रहता है उसमें बायकार्बोनेट्स तो रहते ही है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, अगर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या है, CO2 गैस जो है वो बनती है जो फर्दर वाटर के साथ जो है रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, कोरोजन, ठीक है। जैसे अगर सिंपल भाषा में बताएं तो अपना, दो मिनट में एक पेन चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट, ठीक है। जब ये इसको डिकम्पोज होता है तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और CO2 जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। जो CO2 है ये वाटर के साथ जो है रिएक्ट करती है और रस्टिंग फॉर्म करती है, ठीक है। फर्दर अगर चीज देखें तो कैल्शियम बायकार्बोनेट, इसको भी अगर डिकम्पोज होता है तो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में वाटर रिलीज करता है और साथ में CO2 गैस रिलीज करता है जो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या करती है, फिर से एक रस्टिंग फॉर्म करती है। जैसे अगर ये बात करें, CO2 गैस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जो स्लो कोरोसिव इफेक्ट करता है बॉयलर में, ठीक है। जो अपना बॉयलर है उसमें धीरे धीरे कोरोसिव इफेक्ट जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो आई होप सो ये भी अपना का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे आप इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर इसको किस तरह से रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले जो मेथड है वो तो वही है कि अपन मैकेनिकल डीएरिटेशन से इसको रिमूव कर सकते हैं। मैकेनिकल डीएरिटेशन क्या है भैया,
2 मिनट अभी वो भी आपको बता देते हैं। ये जो अपना सेम चीज है इसमें भी अपन ने देखा था, देखिए कौन कौन सी गैसेस इसमें से रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन, CO2 और भी फर्दर जो गैसेस हैं वो इससे रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है अपन को अगर आंसर आता है तो यही वाली चीज उसमें भी चेक देनी है। ठीक है, मैं ये वाली स्लाइड भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, पर आप आराम से कर लीजिएगा, इसमें आके थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी उसमें डाल देगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेथड है रिमूव करने की वो कौन सी है, मैकेनिकल डीइरिटेशन। सेकेंड जो है वो है बाय फिल्टरिंग थ्रू लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन का जो है वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब लाइमस्टोन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और CO2 जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही है कि टेम्पररी गैसेस है, पर इससे क्या होता है जो अपना CO2 है वो हट जाता है। ठीक है, और थर्ड क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट प्लस H2O, जिससे क्या होता है अपनी जो CO2 गैस है वो इससे रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, जिससे अपन CO2 गैस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फर्दर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड है मैकेनिकल डीइरिटेशन, इसमें भी अपन को सेम डायग्राम बना देना है। सेकेंड जो है वो बाय फिल्टरिंग वाटर थ्रू लाइमस्टोन, ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और थर्ड है अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे अपन क्या है CO2 को रिमूव कर सकते हैं अपने वाटर से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपनी थर्ड जो मेन रीज कॉज करती है, ठीक है, वो कौन सा है, ये है अपनी थर्ड। ठीक है, एसिड फ्रॉम डिसॉल्व्ड सॉल्ट लाइक MgCl2। ठीक है, कुछ एसिड्स हैं जो फर्दर बॉयलर कोरोजन को फॉर्म करते हैं, जिसमें से जो मेन जो माने जाते हैं लाइक MgCl2। ठीक है, MgCl2 जब अपने वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक है, HCl क्या है, मिनरल एसिड है, जो फर्दर अगर किसके साथ, HCl फिर से अगर किसके साथ, आयरन के साथ जो है रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, FeCl2, और साथ में हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, फिर जब ये FeCl2 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, अपनी आयरन हाइड्रोक्साइड और साथ में जो है अपना HCl जो अपना एसिडिक नेचर का है, मिनरल एसिड है, उसको फिर से बना देगा। ठीक है, फर्दर ये रिएक्शन चलती जाएगी जो ये रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये क्या करेगा, ये आयरन के साथ बनाएगा। ठीक है, फिर से यही प्रोसेस चलती रहेगी, तो मतलब ये चेन रिएक्शन जो है वो फर्दर चलती रहेगी। ठीक है, जो ये बहुत बड़ा रीजन है किसका, बॉयलर कोरोजन का। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो ये बचा हुआ जो अपना क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2FeO3.2H2O। ये क्या कहलाता है, अपन ने फर्स्ट उसमें देखा था, ये क्या कहलाता है, रस्ट, यानी कि रस्टिंग। अगर मैं फर्दर थोड़ा सा दिखाऊं आपको, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था रस्ट का। तो ये फर्दर क्या करेगा, जब इसके साथ मिलावट होगी, इसके जब ये मिलेगा तो कौन सा, रस्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आई होप सो ये थर्ड वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अपन आराम से देख लेते हैं आखिर इस वाले जो टॉपिक है इसमें से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो जो ये बॉयलर प्रॉब्लम है ये तो पूरा मिला हुआ टॉपिक है। ठीक है, इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछ सकता है कि आखिर बताइए बॉयलर प्रॉब्लम क्या होता है, साथ में बॉयलर कोरोजन क्या होता है। ठीक है, या अगर ये भी नहीं बनाना किस तरह से बनाएगा, बॉयलर कोरोजन बताइए। ठीक है, और साथ में उसके कॉजेस बताइए। ठीक है, उसकी क्या बताइए, कॉजेस बताइए, उसके प्रिवेंशन बताइए। जब ये वाला क्वेश्चन बने तो आप आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर उसमें से पूछता है बॉयलर प्रॉब्लम तो आपको सिंपली जो है ये बॉयलर प्रॉब्लम लिख देनी है, ये अपना चार्ट बना देना है। ठीक है, साथ में बॉयलर कोरोजन पूछे आपको ये पूरी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ सकता है, कॉजेस बताइए बॉयलर कोरोजन के, इसके साथ ही व्हाट इज बॉयलर कोरोजन, साथ में कॉजेस ऑफ बॉयलर कोरोजन पूछेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, कॉजेस ऑफ बॉयलर कोरोजन, मेन कॉजेस सबसे पहला डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसमें अपन को फर्दर रिएक्शंस लिख देनी है, इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूवल की जगह क्या आ सकता है, प्रिवेंशंस, कि अपन इसको किस तरह से रोक सकते हैं, तो उसमें भी आपको ये चीज लिख देनी है। ठीक है,
तो आपको ये चीज लिख देनी है। उसके बाद सेकंड जो अपनी जिससे अपन लोग डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते, वो है मैकेनिकल डिरेटेशन। उसके बाद जो अपना सेकंड जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी अपन किससे, फर्स्ट जो मैकेनिकल डिरेटेशन है इसमें भी आपको सेम डायग्राम बना देना है, साथ में ये सेकंड और थर्ड, ये कुछ रिएक्शन से जो है अपन CO2 को रिलीज कर सकते हैं, बाकी ये थर्ड जो है वो अपना एसिड फॉर्म डिसॉल्व सॉल्ट। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज के इस लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर कैसा लगा यार मुझे कमेंट में थोड़ा बताना। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप कमेंट करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंप्रूव कर पाऊंगा और क्लियर भी करूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप चाहते हैं यार कि मुझसे जुड़ना, ठीक है, मुझसे बात बात करना, या कुछ डाउट्स हों आपको रिलेटेड, तो आप सिंपली क्या करिएगा, ये aditpatil.30, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज है, आप डायरेक्ट जाइए, इसमें फॉलो करिए और DM करिएगा, और जो भी आपके डाउट हो, ठीक है, चाहे वो इस लेक्चर से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग किससे रिलेटेड हो, अपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे अपने लोग आते हैं तो बहुत सारे अपने डाउट रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट DM करिए और वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करिए, अपन मैं आपके वहाँ पे जो है वो सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँगा। ठीक है, बाकी अपन जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इरफान भैया ने यार फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। ठीक है, जिसमें क्या है, हम लोग जो फर्स्ट ईयर में जो कॉमनली बेसिक सब्जेक्ट हैं उसको क्या है कम्प्लीटली फ्री कर रहे हैं यूट्यूब पे। जैसे अपना हो गया इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके 7 यूनिट जो है वो अच्छे से कम्प्लीट होगी। इस तरह से होगी कि यार आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ये वाली प्लेलिस्ट को पढ़ के आराम से क्लियर कर लें, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, ये आगे आप हर ब्रांच के बच्चों को ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे जाके इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला, तो अपन क्या करेंगे उसी लेवल तक पढ़ेंगे जिसमें अपन को समझ आ जाए, और एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो चीज़ें देखें, जिससे क्या आपके साथ साथ में नोट्स भी बनते जाएं, है ना। तो अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो सचिन पढ़ा रहा है ये भी अपना जो है यूट्यूब पे फ्री हो रहा होगा। ठीक है, बाकी BME ये इरफान भैया ने पूरे 4 यूनिट आपके लिए करा के रखा है, अगर आपके सेम में ये सब्जेक्ट हैं तो आप जाके चेकआउट करिए। सारे जो फ्री जो कोर्सेज हैं, जो अपने बैचेस हैं, इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, अपने अच्छी प्लेलिस्ट बना के रखिए, आप जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करिए और आप पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये 1 से 2 हफ्ते में आपके यूट्यूब पे डालना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका भी कुछ पक्का नहीं यार, जैसे अगर कोई अच्छा सा टीचर मिलता है हमें तो इस चीज़ को भी स्टार्ट करते हैं, और इसका भी कुछ पक्का नहीं है कि यूट्यूब पे रहेगा या फिर इसका एक पेड कोर्सेज बनेगा, वो आपके रिस्पॉन्स पर रहेगा, फर्स्ट यूनिट जो है वो अपनी यूट्यूब पे ही डलेगी। ठीक है, बाकी और बाकी के ये कुछ अपने पेड कोर्सेज जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल एंड इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये कुछ पेड कोर्सेज हैं और ये पेड भी हैं, और इसलिए हैं क्योंकि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है कठिन सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी क्लास बंक करो, फर्स्ट ईयर में अपना रहता है यार कि अपने बहुत सारे दोस्त बनते हैं जिसकी वजह से अपनी क्लासेस बंक हो जाती हैं, है ना, और अपन क्या है अगर एक भी लेक्चर मिस कर देते हो अपन को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में भी आ रहा होंगे ना तो पेपर इतना टफ बना देते हैं चीज़ें, क्योंकि इतना सारा पढ़ना पड़ता है और इतने सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं वो दिमाग में रख ही नहीं पाते। जैसे अपने फर्स्ट यूनिट अभी पढ़ी कॉलेज में, जिस तरह से पढ़ा फर्स्ट यूनिट अपन ने पढ़ी, और 4 महीने बाद अगर 5th यूनिट तक आए, अगर फर्स्ट यूनिट रिवाइज करनी है वापस कैसे करेंगे, ठीक है, जिसके बाद क्या है वो पिछले पूरा अपन भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है अपन को इसमें है रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जैसे अभी मेरे पास कुछ टाइम बाद ही पहले कॉल आया था सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जैसे 5th या 6th सेमेस्टर के बच्चे का, बोलता है यार कि मेरी जो है M2 में बैक हुई है, तो मेरे को लगा यार मतलब फर्स्ट ईयर में वो सब्जेक्ट आता है और थर्ड ईयर तक वो सब्जेक्ट नहीं निकला है, तो इस लेवल तक ये जो है ये वाला सब्जेक्ट खींच देता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यार अपना जो M2 EG ये ऐसे सब्जेक्ट है कि जो समझ में नहीं आ रहा है यार, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ रहे हैं, कॉलेज में समझा रहे हैं पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपन के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डेमो लेक्चर से वो देखिए, अगर आपको क्लियर हो रहा है कि यार मेरे को इनसे समझ में आ रहा है, इनको ये जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से क्लियर हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है पूरे टॉपिक, तो आप क्या करिएगा बिना संकोच के, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसका रिव्यू जो है वो अपने सीनियर से ले सकते हैं, उन्होंने भी यहीं से पढ़ के अपना जो है M2 निकाला है। ठीक है, तो आपको सिंपली डेमो लेक्चर्स देखने, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो निसंकोच से आप सीधा M1 M2 और EG के बेचेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको बाद में कोई रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। बाकी अपना बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इन सारे कोर्सेज जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ये आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसका प्राइस है वो 799 है, और इस कोर्सेज से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपके पास तो आप इस नंबर पर कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके जो डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सॉल्व हो रही होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।